हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में बात करेंगे एक प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की। और क्वेश्चन है कि 12 बॉल्स हैं और 12 बॉल्स को आपको फिट करना है 3 बॉक्सेस में। और 3 बॉक्सेस में फिट करने के लिए सबसे पहले बोला है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 बॉल्स आर इन वन बॉक्स। एक बॉक्स में इन्होंने 3 बॉक्स बॉल डाली, बाकी 9 बॉल्स जो हैं बाकी दूसरे 2 बॉक्सेस में डालेंगे, है ना। तो एक बॉक्स में तो 3 चली जाएंगी, वो बाकी 2 बॉक्सेस में हम जो बची 9 बॉल्स हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें बताना है। अब बोला गया है कि बॉक्सेस के बारे में, तो बॉक्सेस में किस तरीके से कितनी कितनी बॉलें डाल सकते हैं इसके, है ना, हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है कि नीचे जो होती है वो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, है ना। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास है 3 की पावर 12। अब ये 3 की पावर 12 कैसे आया, यहाँ पे आपको कितने बॉक्सेस दिए थे, बॉक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बॉक्सेस दिए आपको 3 और 3 बॉक्सेस में 12 अगर आपको बॉल्स अगर अरेंज करनी है तो इस तरीके से आप अरेंज करते हैं 3 की पावर 12 तरीके से। आपके पास इतने वेज हैं कि 3 की पावर 12 वेज से आप अरेंज कर सकते हैं आपके बॉल्स को। तो अब आप बात करते हैं कि यहाँ पर आपने कितने बॉल्स को लिया। अब आपने टोटल बॉल्स कितने लिए हैं इस एक बॉक्स में डालने के लिए, एक बॉक्स में कितनी बॉल्स जा रही हैं, 3 बॉल्स जा रही हैं। और टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, 12 में से 3 बॉल्स हमने ले ली। और ये बोल रहे हैं कि एक बॉल में 3 चली गई, एक बॉक्स में 3 बॉल्स चली गई, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है। और बाकी बॉक्सेस में जो हमारे 2 बॉक्सेस बचे हैं उनमें कितनी बॉल्स जाएंगी, उनमें जाएंगी 9 बॉल्स। तो 2 बॉक्सेस में 9 बॉल्स जाएंगी 2 की पावर 9 बेस से। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके आप इसको फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ही हम सॉल्व कर लेते हैं। 12 को लिख सकते हैं जैसे 11, 10 और 3, 2, 1 2 की पावर 9 नीचे है 3 की पावर 12। यहाँ पर आपका जो आ चुका है 3, 6, 2 1, 2 इसमें जुड़ जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा ये। और इसमें से भी हम 1 2 निकाल सकते हैं, तो हम 5 into 2 लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं 5 into 2 लिख देता हूँ, 5 into 2। तो 1 2 और 2 2 इसमें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पे बचा 11 5 55 और 2 की पावर 11 यहाँ बचा है, और नीचे बचा आपका 3 की पावर 12। 3 की पावर 12 को मैं 3 into 3 की पावर 11 लिख सकता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे ये कॉमन आ जाएगा। तो 55 divided by 3 and 3 की पावर 2 on 3 की पावर 11। तो इस तरीके से ये लास्ट आंसर आ चुका है। दोबारा से आप रिवीजन कर देता हूँ, क्विक रिवीजन। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि आपका 12 बॉल्स दिए हैं, 12 बॉल हैं आपके पास, 3 बॉक्सेस में आपको अरेंज करनी है। अब 3 बॉक्सेस में से 1, 2 and 3 फर्स्ट बॉक्स में मैंने 3 बॉलों को डाल दिया, तो बची कितनी बॉल, 9 बॉल्स। अब ये जो 2 बॉक्सेस हैं इनमें 9 बॉल्स जाएंगी, तो 9 बॉल्स जाएंगी, कितनी भी जा सकती हैं, 1, 2, 3 हमें कोई इससे लेना देना नहीं कि इसमें कितनी डालनी है। हम एक इसमें 1 डाल देंगे, बाकी में 8 डाल देंगे, इसमें 2 डाल देंगे, बाकी में 7 डाल देंगे। तो इस तरीके से है ना हम अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होता है नीचे की प्रोबेबिलिटी को निकालने का कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो होगी 3 की पावर 12, क्योंकि हमारे पास कितने बॉक्सेस थे 3, तो 3 की पावर 12 और बॉल्स कितनी है 12, तो 3 की पावर 12। और ये वाला जो आया आपका 12 सीधी ये से आया, ये आया आपका कि 12 में से आपने ली थी 3 बॉल, 12 में से आपने 3 बॉल्स ली थी। क्यों ली थी, क्यों आपको 3 बॉल डालनी है एक बॉक्स में, तो 12 में से 3 बॉल्स ली थी बॉल्स ले। और ये कैसे आया 2 की पावर 9 कि जो बाकी को बॉक्सेस बचे हैं उनमें 9 बॉल्स को अरेंज कर सकते हैं 2 की पावर 9 वेज से। तो इस तरीके से ये वाला आपका आया, और इसको आपको सॉल्व करने पर ये आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।